मेरे ग्रुप में पेज नंबर 465 एग्जांपल नंबर 1 है, शो दैट वाई इज इक्वल टू, पेज नंबर 465 एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 है, शो दैट वाई इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ए इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू प्रूव y is equal to a upon x plus a is a solution of differential equation x y 1 plus y is equal to y square x y 1 plus y x y 1 plus y is equal to y square is the solution of the differential equation this x y 1 plus y is equal to y square. मुझे ये प्रूव करना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा. जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन होता है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन है x y 1 plus y is equal to y square. अगर y 1 लिखा हुआ है तो y 1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब dy by dx. तो y is equal to a upon x plus a. अब क्या अगर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो y into x plus a is equal to a हो गया. दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई ए, वाई एक्स प्लस वाई ए इज इक्वल टू ए. अब क्या करिए differentiate both sides with respect to x, differentiate both sides with respect to x. तो यहाँ पर y as it is छोड़ा और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, मतलब dx by dx plus x को as it is छोड़ा और y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, मतलब dy by dx plus फिर y a. y a में क्या है, a कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो dy by dx. राइट हैंड साइड पर a कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल हो गया 0 इज इक्वल टू dx by dx, मतलब आप x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा 1. तो ये आ गया y plus x, dy by dx को हम क्या बोलेंगे y 1 plus a अगेन dy by dx को बोलेंगे y1 is equal to 0. ठीक है, उनको शो करना था x y1 plus y is equal to y square. ठीक है, एक काम करते हैं फिर. अब मुझे ये शो करना है x y1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. तो एक्स वाई वन यहाँ पर मिल रहा है, तो क्या करा जा सकता है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर करना है ना. एक्स वाई वन है मिल रहा है, एक्स वाई वन और वाई दोनों मिल रहे हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी वाई वन. y is equal to a upon x plus a, y a हो गया, ए वाई वन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, तो
dy by dx, ये क्या हो जाएगा? अच्छा ये सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट ये करने के बजाय मैं dy by dx यहाँ सीधा भी तो कर सकता था। चलिए फिलहाल इतना करा, इसको इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो, और ये जो हमारा सॉल्यूशन करके आया इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दीजिए। फिर हम ये कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन, डिफरेंशियल इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें इक्वेशन नंबर वन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। फिर ये जो a है ये a as it is रहेगा, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, और 1 upon x plus a है, तो जैसे 1 upon x होता है तो 1 upon x का डिफरेंशियल होता है minus 1 upon x square, तो इसका हो जाएगा minus 1 upon x plus a का whole square, ठीक है? और फिर d by dx of x plus a, d by dx of x plus a, अब d by dx का लिख दीजिए y1, y1 is equal to minus a into 1 upon x plus a का whole square, 1 upon x plus a का whole square, जब d by dx of x plus a करेंगे तो x का differential हो जाएगा 1 और a का differential हो जाएगा 0, तो y1 is equal to minus का a into 1 upon x plus a का whole square, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि इसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो y1 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको आपने a से डिवाइड कर दिया और a से ही मल्टीप्लाई कर दिया, और ये माइनस a अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर है। अब y1 इज इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस 1 हो गया, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन a बोल सकता हूँ। तो ऐसा क्यों करा है? क्योंकि a अपॉन x प्लस a जो है ये y के बराबर है, तो इसका स्क्वायर ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो y1 is equal to minus 1 upon a into y square, यहाँ तक समझे? ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि put this value in equation number 2, put this value of y1 in RHS इक्वेशन, मतलब कुल मिलाकर मुझे ये वाली टर्म लेकर आनी है। तो ये वाली टर्म लाने के लिए y स्क्वायर, मतलब ये माइनस ए वाई वन है, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा ना, तो यहाँ से आप देखिएगा कि माइनस ए वाई वन, भाई ए को इधर ले आइए और माइनस को भी इधर ले आइए, तो माइनस ए वाई वन इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा। तो अगर माइनस ए वाई वन की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में रख दूँ तो एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, अच्छा इसी तरीके से एग्जांपल नंबर टू देखिएगा, शो दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर लॉग वाई, टू प्रूव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर लॉग वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर लॉग वाई, टू
y square log y is a solution of the differential equation. Is a solution of the differential equation x square plus y square dy by dx minus xy is equal to 0 minus xy is equal to 0. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ऊपर एक्सप्रेशन दे रखा है ये इक्वेशन ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. ठीक है, तो क्या करेंगे, जो हमको दे रखा है उसी को आपको डिफरेंशिएट करना होगा. तो एक ही बार सिंगल बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया, 2x हो गया. एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और फिर ये 2 तो कांस्टेंट है तो 2 को एज इज छोड़ा, y स्क्वायर और log y ये टोटल मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, y स्क्वायर एज इज इनटू d / dx ऑफ log y पहला तो ये प्लस, फिर क्या करेंगे log y एज इट इज इनटू d / dx ऑफ y स्क्वायर. ये हो गया. अब देखिएगा अब लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 2 है, राइट हैंड साइड में 2 है, तो दूसरे तो भी कैंसिल आउट हो गया. इधर बचा x इज इक्वल टू अब y स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y. तो log का जब डिफरेंशियल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y. भाई log के आगे जो भी टर्म लिखी रहती है जब उसका डिफरेंशियल करते हैं तो वो उसके रेसिप्रोकल पे चला जाता है, तो 1 अपॉन y हो गया. ठीक है, फिर y को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy / dx प्लस log y will now remain as it is, ये as it is रहेगा. और जब y square का differential करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और फिर further जब y को differentiate करेंगे तो वो हो जाएगा dy / dx, dy / dx. तो यहाँ से आप ये देखिएगा कि मुझे ये समझ में आ रहा है dy / dx इधर भी है और dy / dx इधर भी है, तो dy / dx common लिया जा सकता है, ले लेते हैं x is equal to और इधर एक y से एक y कट गया तो हमने dy / dx ले लिया कॉमन. तो इधर क्या बचा, y प्लस इधर क्या बचा, 2y log y, ये बचा. ठीक है, अब क्या करेंगे, जो चीज मेरे को प्रूव करनी है इस प्रूविंग वाले में dy / dx मुझे मिल रहा है x square, y square, x और y मिल रहा है लेकिन log y ही मिल रहा है, तो log y को हटाना होगा. तो log y को हटा देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से. इक्वेशन नंबर 1 से आप log y की वैल्यू निकाल दो. ये हो गया. ठीक है, ये करने के बाद में एक y से एक y कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया.
अब एलसीएम ले लीजिए, डीवाई बाई डी एक्स इन टू, जब एलसीएम लेंगे तो ये वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है, और ये डीवाई बाई डी एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ डिवाइड में वाई है, इसको इधर ले जाओ तो एक्स वाई इज इक्वल टू तो जो चीज प्रूव करने की वो आ गई, खुद मिलाकर क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे, जीरो इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही चीज प्रूव करनी थी, बताइए जी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जी, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर टू, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर थ्री देखिएगा। एग्जाम्पल थ्री में है वेरीफाई दैट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस x into log cx is a solution of the differential equation this example 3 example 3 ko verify karna hai matlab prove karna to prove y is equal to x cube minus x x cube minus x into log cx, x cube minus x into log cx is a solution of the differential equation x cube minus x into divide by dx x cube minus x into divide by dx minus 3x square minus 1 into y minus 3x square minus 1 into y is equal to x cube power 5 minus 2x cube x की पावर 5 माइनस 2x की प्लस x, ये अब क्या करिएगा, अब इस एक्सप्रेशन में भी पूरे में देख लीजिए, जैसे ये जो गिवन है इसमें लॉग है और इस पूरे एक्सप्रेशन में लॉग का जिक्र कहीं नहीं है, तो भी करते हैं लॉग मतलब इसको सॉल्व करके डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, गिवन y is equal to x cube minus x into log cx, y is equal to x cube minus x into log cx, ये दे रखा है, differentiate both sides with respect to x, both sides with respect to x, के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू लॉग सी एक्स, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार तो इसको एज इट इज रखेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स को रखो एज इट इज, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सी एक्स log cx, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर प्लस log cx को एज इट इज रखो इनटू d बाय dx ऑफ x की माइनस x, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना होगा इसमें, कि इधर तो dy बाय dx रहने दो,
और बार बार इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो dy by dx as it is, अब इधर है x cube minus x, ये तो as it is रहा। फिर जब log cx का differential करेंगे तो log cx का differential हो जाएगा 1 upon cx, ठीक है, तो ये तो log का हुआ 1 upon cx। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो cx है इसको further differentiate करेंगे d by dx of cx, तो वो c बन जाएगा बस प्लस log cx और d by dx of x cube minus x, तो x cube का differential क्या हो गया 3x square और x का क्या हो गया differential 1, तो 3x square minus 1 ये हो गया। तो dy by dx is equal to x cube minus x into 1 upon cx, और जब dy by dx of cx करेंगे तो इसका result आएगा c, तो c से c कट गया और प्लस 3x square minus 1 इंटू log cx, अच्छा अब क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय dx इक्वल टू x cube minus x upon x into sorry plus 3x square minus 1, ठीक है 3x square minus 1। अब ये जो log cx है जो मेरे को प्रूव करना है उसमें log वाली टर्म कहीं नजर नहीं आती है, तो इसमें क्या करेंगे कि log cx को हम इक्वेशन नंबर 1 से यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये वाला, यहां से log cx की वैल्यू क्या हो जाएगी y upon x cube minus x, तो log cx क्या हो जाएगा, log cx हो जाएगा y upon x cube minus x, y upon x cube minus x, ये हो गया। अब x cube minus x into dy by dx चाहिए एक तो मेरे को, तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि भाई अगर x cube minus x into dy by dx चाहिए तो देखते हैं, ये हो गया dy by dx is equal to, ये x cube minus x है, x cube minus x upon x, तो इसको ऐसे लिखेंगे x cube upon x minus x upon x, ऐसे स्प्लिट करके लिखा जा सकता है, एक x से एक x करके अगर x square बचा, एक x से एक x करके अगर 1 बचा के, ठीक है, अब प्लस y into 3x square minus 1 upon x cube minus x, x cube minus x, ये ठीक है, 3x square minus 1 into y को मुझे चाहिए भी, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे चाहिए और मुझे मिल रही हैं, तो हम क्या करेंगे dy by dx is equal to, ये मिला मुझे x square minus 1, इधर x square minus 1 बचा प्लस 3x square minus 1 into y upon x cube minus x, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, ये वाला टर्म जो है मतलब इधर एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे हो गया dy by dx x square minus 1 into x cube minus x plus 3x square minus 1 into y upon x cube minus x, ये हो गया। अब क्या होगा, ये जो x cube minus x है इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा x cube minus x into dy by dx,
ठीक है, इज इक्वल टू, इसको जब एक्सपैंड करेंगे राइट हैंड साइड को, तो ये x की पावर 2 इनटू x की पावर 3 हो जाएगा x की पावर 5, x स्क्वायर इनटू माइनस x ये हो जाएगा माइनस x क्यूब, ठीक है, माइनस 1 इनटू x क्यूब ये हो जाएगा माइनस x क्यूब, और माइनस 1 इनटू माइनस x ये हो जाएगा प्लस 5x, ठीक है, और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y ये हो गया। अब इसको इस तरह से लिख लीजिए, x क्यूब माइनस x इंटू dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y प्लस x की पावर 5 माइनस 1x क्यूब माइनस 1x क्यूब क्या हो गया माइनस 2x क्यूब और प्लस x, तो यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, बताइए जी क्लियर, ठीक है, x क्यूब माइनस x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। अच्छा इन्होंने क्या कर रखा है, ये वाला टर्म जो है इसको और ले जाए इस तरफ, हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए जी अगला देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 है, शो दैट, यानी कि वही आपका है कि टू प्रूव y इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन x, y is equal to ax plus b upon x, is the solution of the differential equation, is the solution of the differential equation x square d square y by dx square x square d square y by dx square plus x dy by dx plus x dy by dx minus y is equal to 0, ठीक है। तो ये जो है मतलब इसका सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो d square y by dx square से समझ में आता है कि यहाँ पर मेरे को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y is equal to ax plus b upon x, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy by dx is equal to, फिर जब इसको करेंगे तो ये रह जाएगा केवल a प्लस, जब इसको करेंगे बी अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बी इंटू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो गया। जब इस तरीके की हमारे पास इक्वेशन आती है ना जहाँ पर डबल डेरिवेटिव भी है सिंगल डेरिवेटिव भी है, तो क्या करेंगे देखिएगा, हमने इतना कर दिया dy by dx, तो इसको इतना करने के बाद में इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर क्या करिए, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो ताकि d square y by dx square आ जाए हमारे पास, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, और dy by dx को जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d square y by dx square is equal to, ये जो a है ये तो कांस्टेंट है और अकेला लिखा हुआ है, तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हो जाता है 0, 0 फिर क्या हो गया था प्लस माइनस 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 b upon x square था, तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे माइनस b लिख लो ऐसे, ठीक है। और 1 upon x square का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 upon x square का डिफरेंशियल होता है माइनस 2 upon x cube, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, डी स्क्वायर वाई
बाई डी एक्स स्क्वायर भी आपका आ जाएगा प्लस का टू डी अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गई इक्वेशन नंबर थ्री। अब मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है और डी वाई बाई डी एक्स भी है, तो इसकी हेल्प से मैं इसको पूरे को इज इक्वल टू जीरो प्रूव कर सकता हूँ, ये करा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया टू बी अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो गया डिवाइड बाई डी एक्स हो गया ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस वाई क्या हो गया वाई की वैल्यू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स ये हो गया ए एक्स स्क्वायर से ये कट गया तो ये बचा टू बी अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स। फिर एक्स को इन्हें मल्टीप्लाई करा तो ए एक्स एक्स को माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन एक्स फिर माइनस ए एक्स फिर माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स और x डिवाइड बाई डी एक्स है तो x इंटू ए ठीक है ये ए एक्स है ए एक्स कैंसिल आउट हो गया ये हो गया टू बी अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स क्या हो गया माइनस टू बी अपॉन एक्स माइनस टू बी अपॉन एक्स प्लस टू बी अपॉन एक्स कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू एक्स और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है ये एग्जांपल नंबर फोर हुआ। इसके बाद फाइव देखिएगा शो दैट a की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस एक्स a इंटू e की पावर 2x प्लस b इंटू e की पावर माइनस एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन solution is a solution of the differential equation d square y by dx square d square y by dx square minus dy by dx minus 2y is equal to 0 ये चीज प्रूव कर दी। तो देखिएगा कैसे करेंगे, given y is equal to a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x जैसे ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर वन। हम क्या करते हैं कि इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू x
डिफरेंशियल इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy by dx is equal to a तो कांस्टेंट है ये, तो यहां e की पावर 2x का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल e की पावर 2x और फिर 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2, तो a into e की पावर 2x और फिर 2x का डिफरेंशियल हो गया 2, ठीक है, प्लस b एक कांस्टेंट है तो जाएगा e की पावर -x का डिफरेंशियल e की पावर -x और -x का डिफरेंशियल हो गया -1। तो dy by dx is equal to 2a e की पावर 2x माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो वाई की वैल्यू ये थी हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, इसको बोल दीजिए इक्वेशन इक्वल टू, अब निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इक्वेशन टू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, जब डी वाई बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। अब ये जो 2a है ये तो कांस्टेंट है, तो 2a तो रहा है इस e की पावर 2x का डिफरेंशिएट e की पावर 2x, फिर 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस b एज इट इज, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएट e की पावर माइनस x और फिर माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 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 जा फोर ए, फोर ए ई की पावर टू एक्स माइनस माइनस प्लस बी, प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। अब ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन वन टू और थ्री, तो जो चीज प्रूव करनी है उसमें ये वैल्यू डालते चले जाओ। एक्सरसाइज में आपकी मर्जी है, जितने चाहो उतने कर लो, चाहे तो मत करो, ठीक है। एग्जांपल करने बहुत जरूरी है, आगे के एग्जांपल ट्राई करिएगा, बाकी तो देखता हूँ मैं, कल भी क्लास के टाइम ट्राई करिएगा।